मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में बीते दिनों कानपुर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें तीन लड़कियां एक लड़के के साथ पिटाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जींस टी शर्ट पहनी लड़कियों के साथ इस लड़के ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। मगर बाद में पता चला कि ये कोई आम लड़कियां नहीं बल्कि यूपी पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा थी। पुलिस ने शहदों को दबोचने के लिए जाल बुना था, जिसमें ये लड़का फंस गया। महिला पुलिस के जवानों ने इसकी पिटाई की और दोबारा हरकत ऐसी न करने की नसीहत देते हुए इसे छोड़ दिया गया। मगर अब इस लड़के ने यूपी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़के का कहना है कि उसने छेड़खानी नहीं की थी, बल्कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फर्जी तरीके से उसकी पिटाई की गई। लड़के ने पुलिस पर जबरन कबूल करने और उसके साथ मारपीट कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। हम बैठे थे तो दो कानिश मतलब लेडीज पुलिस वाली आई, हमसे बोली कि खड़ा हो। दो पुलिस वाले थे, वो सादी वर्दी में लेकिन सब लोग थे। इसके बाद हमसे बोले कि खड़ा हो, तब हम भाई खड़े हुए। बोले कान लगे, ये बता कि लड़कियां क्यों छेड़ता है। हमने कहा सर हम लड़कियां नहीं छेड़ते हैं। बोले कान लगे कि मतलब बोले कि लड़कियां तू छेड़ता है भाई से, थोड़ा बकवास वकवास करके बोले कान लगे कि तुझे कहना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने वीडियो सर चालू की, वहां पे वीडियो चालू करके आगे पहुंचे बोले कान लगे कि तुझे कहना पड़ेगा, कुछ भी हो तुझे कहना पड़ेगा कि तूने लड़की छेड़ी है। वो पुलिस वाली जो लेडीज पुलिस वाली थी, उन्होंने हमारे ऊपर मार लगाई और बोली कि तुझे कहना पड़ेगा। हमने कहा जी मैम हम नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। नहीं बोली कहना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, इसके बाद ले जा करके हमें और वो ले जा कर नहर के पास हमें गाड़ी अपनी खड़ी की। वो 112 नंबर से ले गए थे, गाड़ी खड़ी करी। इसके बाद में बोले कान लगे कि लेडीज पुलिस वाली से बोले कान लगे, वो पुलिस वाले जो थे बोले कान लगे इसके माल लगाओ, पहले तो इसके माल लगाओ फिर ये कहेगा कि हमने किया है। हमने कहा सर जब हमने किया नहीं तो हम झूठ क्यों बोले। बोले कान लगे तूने किया है इसे करते रहे सर। तो हमने कहा सर हमने नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बोले नहीं तूने किया है। इसके बाद में सर उन्होंने मारा और हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के बोले हमें धमकी नहीं, बोले कोर्ट से तुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोर्ट से तुझे भेजेंगे और तेरी कभी जमानत नहीं होगी, ऐसा हम लगाएंगे केस। तो हमने कहा सर आप हम गलत शक कर रहे हैं, हमने ऐसे हैं नहीं। इसके बाद हमें हमारी वीडियो बना के उन लोगों ने और सोशल मीडिया ऐप पर डाल दी है। सोशल मीडिया पर डाल के हमें गलत बदनाम किया जा रहा है। अब हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और हमारे अगर आत्महत्या हमने की और आत्महत्या करते समय अगर पूरा मतलब सपोर्ट जाता है तो आत्महत्या इन्होंने करवाई है। ये हम तो कहना चाहते हैं कि इन्होंने करवाई, इसीलिए हमने वीडियो बना के डाली है कि काश अगर हमने आत्महत्या की तो पुलिस वाले 5 पुलिस वाले हैं पूरे पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे हमारी मौत के। हम इतना कहना चाहते हैं सर, हम ऐसे हैं नहीं जैसा हमें बनाकर डाला गया है, हमें गलत फंसाया जा रहा है।